नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ परवल दो प्याज़ा की रेसिपी। यहाँ पर मैंने परवल की आज इतनी टेस्टी और लाजवाब रेसिपी बनाई है, इसको मेरे यहाँ परवल दो प्याज़ा बोला जाता है और ये मैं खुद ही बनाती हूँ। मैंने इसको कहीं से नहीं देखा है। यकीन मानिए, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। जिसको परवल बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो भी इसे खा जाएंगे। वैसे तो ये सिर्फ परवल से ही बनाई जाती है, पर मेरे बच्चे थोड़े से छोटे हैं तो छोटी वाली बिटिया रानी को थोड़े से आलू भी चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्टी सी रेसिपी में मैंने आलू भी कट करके डाले हैं ताकि मेरी बिटिया रानी भी इसका स्वाद ले सकें। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी ये परवल दो प्याज़ा की रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने परवल सिर्फ 5 लिए हैं और प्याज आप दे सकते हैं यहाँ पर 250 ग्राम के आसपास है। और मैं ले रही हूँ एक छोटी कटोरी में दही, ये 4 से 5 चम्मच दही है, और परवल, हरी मिर्ची, प्याज, दही, तो ये देख लीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे थोड़े से आलू। आलू के पीसेस को किस तरह से कट करना है, इस तरह से लंबे में कट करना है, मतलब छोटे साइज के आलू ले लीजिए और एक आलू के 4 टुकड़े कर लीजिए। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि परवल को मुझे छीलना है, छीलेंगे नहीं, परवल को भी हम इसी तरह से बस आगे पीछे का हिस्सा कट करके उसके भी 4 टुकड़े कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप अगर परवल पसंद करते हैं तो आपको ये अच्छी लगेगी ही, और अगर आपको परवल पसंद नहीं है तो भी आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। मैं इसमें दही डालूंगी, पर यकीन मानिए 5 मिनट में बनकर ये सब्ज़ी तैयार होती है और ज़रा भी कहीं कोई टाइट नहीं होता है, ना आलू ना परवल। तो देखते जाइए, रेसिपी पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। और इस तरह से परवल को तेल में मैंने पहले तल लिया है, कढ़ाई में तेल गर्म किया और उसमें इसको तल लिया। इससे होता क्या है, परवल में जो एक पंचीटापन होता है ना, वो नहीं होता है। आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाइए तो भी, और इस तरह से तो परवल तल लीजिए। अब यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया है, अदरक डाल दी है, और साथ में डाल रही हूँ मैं मेथी दाना। तो ये सभी मैंने लहसुन अदरक अच्छे से कट किए थे। अब मैंने यहाँ पर हींग ले ली है, तो 4 से 5 चुटकी हींग डाल दीजिए। कोई भी रोज़ वाली सब्ज़ी हो उसमें लहसुन, अदरक, हींग, ये चीज़ें अच्छी होती हैं सेहत के लिए भी और टेस्ट भी बढ़ा देती हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। प्याज को इस तरह से लच्छे में कट किया है, और जैसे ही प्याज हमारा हल्का ब्राउन होगा वहाँ पर हम आलू भी ऐड कर देंगे। अभी मैंने कोई मसाला नहीं डाला है। इस सब्ज़ी को बिल्कुल अलग तरीके से बनाते हैं। बेसिक मसाले होते हैं पर स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार अगर आपने इसको बनाकर ट्राई किया ना, तो हमेशा आप इसी तरह से बनाएंगे। आलू और प्याज को मैं इस तरह से भून रही हूँ। जैसे जैसे ये ऑयल में भुनते जाएंगे तो ये पक भी जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप इनको ढककर पका लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने चाकू से देखा, आलू हमारे पक गए हैं। अब मैं यहाँ पर परवल ऐड कर दूँगी। परवल ऐड करने के बाद अब आती है बारी मसालों की। नॉर्मल से मसाले हैं, सबकी किचन में मिल जाते हैं। मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में यहाँ पर लूँगी मैं लाल मिर्ची का पाउडर। तो ये चीज़ें अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अब यहाँ पर मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इस तरह से कट करके, थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च। हरी मिर्ची को आप तेल में पहले फ्राई कर देंगे तो फिर वो बाद में अच्छी नहीं लगती है, एकदम से मिक्स हो जाती है। और लीजिए, मसाले डालने के बाद कोई पानी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैंने दही डाल दिया, ये 4 से 5 चम्मच दही है। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है पर हाँ फीका भी नहीं है, नॉर्मल दही है। अब दही, मसाले और सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने नमक यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। जब दही से तेल छूटने लगेगा तब हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा और सब्ज़ी का स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको कवर कर दूँगी। बस ये देखिए, तेल ऊपर आ गया है, और ना ही ये टेंशन है कि दही डाल दिया है तो आलू वगैरह टाइट हो जाएंगे या पकेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने ज़रा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ये देखिए आप। और हमारी कितनी टेस्टी और लाजवाब सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको कहते हैं परवल दो प्याज़ा, और इसमें ढेर सारा प्याज जाता है। ये नमक स्वाद के अनुसार मैंने डाला है,
और अच्छे से तेल रिलीज़ होने लगा है। तो यानी कि ये देखिए पककर तैयार हो गए हैं परवल और आलू दोनों ही। वैसे तो ये सिर्फ मैं परवल से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है थोड़ी सी, और लीजिए एक मिनट के लिए इसको दम लगा दिया कसूरी मेथी डालने के बाद। इतनी टेस्टी और लाजवाब सब्ज़ी है, अगर आप एक दिन के लिए कहीं जा रहे हैं सफ़र में तो लेके जाइए, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको पूड़ी पराठों के साथ बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। लीजिए ढेर सारा हरा धनिया कट करके डाल दिया यहाँ पर मैंने, और लास्ट में डालूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला। इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बनकर तैयार है परवल दो प्याज़ा की रेसिपी। ढेर सारे प्याज के बाद भी ज़रा सा भी मीठा बनने लगेगा, बड़ा ही टेस्टी सा टेस्ट आता है इसमें। हल्का सा तीखापन होता है, खटास होती है, और जो परवल होते हैं उनका तो टेस्ट ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये रेसिपी आप सबके लिए बनाई है, आप सबके साथ शेयर की है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये परवल दो प्याज़ा की रेसिपी। यहाँ पर मैंने तैयार की है आप सबके लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।